नागपुर में विकास योजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, वोट पाने के लिए हमारे देश के कुछ नेता आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली योजना चलाकर देश को खोखला कर रहे हैं। जनता ऐसे नेताओं को एक्सपोज करे। दुनिया के कई देश आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की कुरीति से बर्बाद हुए हैं। शॉर्टकट अपनाने वाले ऐसे नेताओं से आदर पूर्वक कहूंगा कि स्थायी विकास का महत्व समझें। शॉर्टकट की जगह स्थायी विकास करके चुनाव जीत सकते हैं, बार बार जीत सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, ये तेज गति से काम कर रही है। पिछली सरकारों की संवेदनहीनता की वजह से विकास कार्य लेट हुए। मोदी ने नागपुर में मेट्रो सेवा की शुरुआत की। मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के बाद उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ मेट्रो की सवारी भी की। स्टूडेंट्स ने पीएम मोदी के साथ बातचीत भी की। इससे पहले उन्होंने सबसे पहले नागपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये देश की छठी वंदे भारत ट्रेन है। ये ट्रेन नागपुर से रायपुर के बीच चलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर में 520 किलोमीटर लंबे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र स्मृति महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। यहाँ ढोल बजाकर मोदी का स्वागत किया गया। मोदी कलाकारों के बीच पहुंचे और उनके साथ ढोल भी बजाया। वहीं इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। मोदी ने महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एम्स नागपुर का उद्घाटन भी किया। रासत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।